आठवां है ही इज सो वीक दैट, ये 2011 में पूछा गया है। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, इससे हम पूरा कर सकते हैं, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। या हम इसको और बढ़ा के लिख सकते हैं कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक विदाउट ए स्टिक, वो बिना छड़ी के चल नहीं सकता। इसको लगा करके हम पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लीज पे अटेंशन टू, ये 2011 में पूछा गया है, यहाँ आप कर सकते हैं प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई टेल यू, जो कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ उसको जो है ध्यान से, कृपया ध्यान दें जो कुछ मैं आपको बताता हूँ। या प्लीज पे अटेंशन टू योर पेरेंट्स एडवाइस, कृपया ध्यान दें अपने माता पिता की सलाह जो आपके माता पिता सलाह देते हैं उस पर ध्यान दें। तो इन दोनों सेंटेंस में से कोई सेंटेंस यहाँ लगा दीजिए और उसको पूरा कर दीजिए। नेक्स्ट है दिस इज द हाउस, यह वही घर है। अब यहाँ आप वेयर लगा सकते हैं, वेयर जहाँ मैं रहता था, तो वेयर आई लिव्ड पूरा हो जाएगा, या वेयर आई लिव्ड लास्ट ईयर, जहाँ मैं पिछले साल रहता था, या वेयर माई फ्रेंड लिव्स, या जहाँ मैं तुमसे मिला था, वेयर आई मेट यू, जहाँ मैं तुमसे मिला था। तो कुछ भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज द हाउस विच आई वॉन्ट टू परचेज, 11वां, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड, यहाँ आई रीच्ड से आप भर सकते हैं। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और बिफोर वाले में जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस लगता है, याद रखना है कि बिफोर वाला जो सेंटेंस रहेगा उसमें हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस लगाएंगे। ईट टू लिव बट डू नॉट, कह रहा है ईट टू लिव, जीने के लिए खाओ, लेकिन डू नॉट, लेकिन डोंट लिव टू ईट, खाने के लिए मत जियो, खाने के लिए मत जियो। तो बट लगाएगा तो वहां विपरीत सेंटेंस हो जाएगा, जीने के लिए खाओ लेकिन लेकिन खाने के लिए मत जियो, 2011 में पूछा गया है। तो ऐसे लगा के हम इसको पूरा कर सकते हैं। 13वां है आई वर्क हार्ड सो दैट, अब यहां सो दैट लगा है, सो दैट माने होता है ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया है, सेंटेंस रहता है फिर सो दैट माने ताकि, फिर सब्जेक्ट, फिर मे या कैन, जब प्रेजेंट में होगा तो मे या कैन रहेगा, जब ये सेंटेंस सो दैट के पहले वाला प्रेजेंट में रहता है तो यहाँ मे या कैन लगा करके हम पूरा करेंगे इसको। और अगर ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, पास्ट में रहेगा तो माइट या कुड लगा करके बर्पी फर्स्ट फॉर्म लिख के इसको पूरा करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई वर्क हार्ड सो दैट, मैंने कठिन परिश्रम किया सो दैट, ताकि आई माइट सक्सीड इन माई एग्जामिनेशन, ताकि मैं जो है अपने एग्जामिनेशन में सफल हो सकूं, यहाँ अर्थ ऐसे आएगा। तो या आई कुड सक्सीड इन माई एग्जामिनेशन, मैं अपने एग्जामिनेशन में परीक्षा में सफल हो सकूं, ठीक है, चाहे माइट लगाइए चाहे कुड लगाइए। या ऐसे लिख सकते हैं इसको आई वर्क हार्ड सो दैट, ताकि आई माइट टॉप इन द क्लास, या आई कुड टॉप इन द क्लास, मैं क्लास में टॉप आ सकूं, इसलिए मैं कठिन परिश्रम मैंने किया ताकि मैं क्लास में टॉप आ सकूं।
तो इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस जो है हम यहाँ लगा करके पूरा कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये लगा दिया है, ये पूरा हो गया, ये भी सेंटेंस यहाँ लगा के पूरा किया जा सकता है। लेकिन ध्यान यही देना है, सो दैट मतलब होता है ताकि, और यहाँ पे है कि हमने कठिन परिश्रम किया ताकि ये मैं कर सकूँ, ऐसा हो सके, इसका इसका परिणाम यहाँ आए, तो उसको हम मे कैन या माइट और कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ही हम सेंटेंस बनाएंगे। इसको ध्यान रखना है, तो इससे आपका ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। 14वां है, ही वर्क वेरी हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। उसने बहुत कठिन परिश्रम किया एग्जामिनेशन में, एग्जाम परीक्षा पास करने के लिए, बट लेकिन फेल्ड या ही फेल्ड, फेल हो गया या ही फेल्ड, यहाँ पे ही फेल्ड लिख सकते हैं, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। बट जब लगा रहता है, बट माने लेकिन होता है, और जब एक सेंटेंस जो कहता है उसके विपरीत दूसरा सेंटेंस कहता है, ये एक सेंटेंस कह रहा है कि ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया एक परीक्षा में पास होने के लिए, भाई ये किया तो पास हो जाना चाहिए इसको, लेकिन दूसरा सेंटेंस कहेगा, ले जब बट लगा रहेगा, वह फेल हो गया, इसके विपरीत दूसरा सेंटेंस रहेगा। तो यहाँ ये दूसरा सेंटेंस विपरीत रखा रख करके पूरा कर दिया गया, क्योंकि यहाँ बट लगा हुआ था। 15वां है, हरी अप यू विल बी लेट, जल्दी करो अन्यथा तुम लेट होगे। तो यहाँ पे अदरवाइज लगाएंगे, अन्यथा का लगाते हैं अदरवाइज, च्वाइस वाले जो है सेंटेंस, जल्दी करो और नहीं तो लेट हो गए, चाहे तो जल्दी करो चाहे तो जो है या तो लेट हो गए, तो यहाँ पे अदरवाइज लगा के सेंटेंस को पूरा करते हैं। तो ये है हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट, यहाँ अदरवाइज लगा देते हैं, अदरवाइज। वर्क हार्ड अदरवाइज, ये 2016 में पूछा गया है, अदरवाइज अदरवाइज लगा ही है, तो इसके ये करो या ऐसा होगा, या ऐसा होगा। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, तुम फेल होगे, अगर ऐसा नहीं करोगे, कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तुम फेल होगे। तो ये इस चॉइस वाले हैं, चाहे ये चॉइस करो, चूज करो, चाहे ये चूज करो, उसमें अदरवाइज लगा दिया जाता है, अदरवाइज आर ये सब लगा के इसको पूरा किया जाता है। तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल होगे, इस तरह लगा के इसको पूरा किया जाता है। तो बच्चों आज यहीं तक, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच